आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। भोपाल से बड़ी खबर, थोड़ी देर में बीजेपी की अहम बैठक शुरू होने जा रही है जिसपे लगातार हम आई नस रहे हैं। मंत्री, सांसद, विधायकों का बीजेपी दफ्तर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तुलसी सिलावट, ओम प्रकाश सकलेचा, प्रद्युमन लोधी पहुंचे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल हुए हैं। उपचुनाव की रणनीति को लेकर यह बैठक होगी। अब से कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत होगी और संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। 27 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसलिए हुआ, मुझे मालूम है कि कमलनाथ जी 15 महीने की सरकार में एक दिन आप ग्वालियर नहीं गए, एक विकास की फूटी कौड़ी नहीं दी, एक चवन्नी नहीं दी। किस आधार पे जाओगे आप? कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के आप मुख्यमंत्री थे, किस आधार पे आप जाओगे वहाँ पर? जनता ऐसा पोस्टर लगा के पूछेगी, हे कमलनाथ, हे नाथ, जो तुमने वादा किया था वो कहाँ निभाया? इसलिए वो डरते हैं, आत्मबल नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। क्यों? जो करता है हिम्मत के साथ, जब कथनी करनी में होता है तो आत्मविश्वास हिलता है। शिवराज सिंह चौहान के कथनी करनी मंत्र नहीं है, धड़ाके से किसी भी जगह पर जाने वाले हैं। इसलिए कमलनाथ जी ने जनता के साथ धोखा दिया। अभी मैं देख रहा था परसों कि बेरोजगार आंदोलन कर रहे युवा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप 15 महीने की सरकार में वचन पत्र में आपने वादा किया था, वादा के साथ में 1-4 हज़ार रुपये देंगे पर मंथ बेरोजगारों को, युवाओं को, 1 रुपये नहीं दिया आपने, एक चवन्नी नहीं दी। भिंड में आंदोलन करने चले गए, दे जूते आपस में जूतों में पैजाद कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। इसलिए कथनी करनी का अंतर मत करिए, सब लोग देख चुके हैं, आपको परख चुके हैं। आप 15 महीने में मौके थे, सब कुछ कर सकते थे, सिर्फ एक काम में लग गए हैं, भ्रष्टाचार, पराकाष्ठा में लूट, ट्रांसफर उद्योग। अभी एकदम शांत है, जैसे हम कई उदाहरण देते हैं। हमारे मित्र, हमने पूछा कैसी सरकार चल रही थी, कमलनाथ जी के सांसद हैं, उन्हें ऐसी चल रही थी जैसे क्रॉकरी की बड़ी सुंदर दुकान सजी हुई थी, उसमें बोले सांड घुस गया आके और क्रॉकरी में जिधर ढक्कर मारे उधर ढक्कर मारे, पूरी क्रॉकरी की दुकान तोड़ डाली होती। इसलिए मध्य प्रदेश को जो 15 साल में शिवराज सिंह चौहान ने सजाया संवारा था, 1.5 साल में बहुत पीछे कर दिया। इसलिए उस पूरी क्रॉकरी की दुकान को सजा के फिर जनता की अदालत में जनता के स्वप्नों को साकार करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और जनता की आबाद, जनता की कृपा से हम लोग जीत के आएंगे। केंद्रीय मंत्री अरविंद भदौरिया, जिनका ये कहना है कि बीजेपी के बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और इस बैठक में हर हाथ को काम, यानी हर कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया जाएगा उपचुनाव को लेकर, उनका कहना है कि कमलनाथ ग्वालियर चंबल का जो उनका दौरा निरस्त हुआ है वो केवल डर गए हैं कि वहाँ जनता पूछेगी कि 15 महीने में आखिर क्या किया, वादों का क्या हुआ। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ जुगल किशोर शर्मा, वंस न्यूज़, भोपाल। तो एमपी की 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर बीजेपी की आज ये फाइनल बैठक, हम इसे कह सकते हैं, जिसमें फाइनल तैयारियों को लेकर, रणनीतियों को लेकर आज चर्चा होनी है। तो काफी अहम की बैठक मानी जा रही है, सभी सांसद, विधायक, मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे।